हेलो बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ वी टेक बैरोमीटर टू द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल। अगर मैं बैरोमीटर को स्विमिंग पूल की बॉटम में लेके जाता हूँ तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ वी टेक इट इन टू द मून। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन है। पहले वाले केस में आपसे कहा गया है कि आपके पास जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर को मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, आपके पास बैरोमीटर को मैं लेके जा रहा हूँ स्विमिंग पूल के बॉटम सरफेस पर लेके जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं बैरोमीटर के लिए बात करता हूँ, तो आपने देखा है कि आपके पास बैरोमीटर इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या भरा होता है, एच जी भरा होता है। क्या भरा होता है, एच जी। सपोज इसका ये सरफेस हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब एक चीज बताइए, क्या यहाँ ऊपर से आपके पास जो प्रेशर लग रहा है वो हवा का प्रेशर लग रहा है, कितना, पीएटीएम। सपोज यहाँ पर आपके पास जो हाइट है, किसका हाइट जो है आपके पास से, एच जी का हाइट, मतलब मरकरी का हाइट, मरकरी का हाइट है वो, मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ कहीं तक गया हुआ है, कितनी हाइट तक, एच हाइट तक। तो जब मैं यहाँ पे प्रेशर लिखता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, पीएटीएम इक्वल टू, पीएटीएम तो कितना मान लेता हूँ मैं, पी नॉट मान लेता हूँ, और क्या यहाँ पे मैं पॉइंट मान लेता हूँ ए, तो मैं ए पॉइंट पर जो प्रेशर लिखूंगा वो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। क्लियर है, ये होता है आपके पास किसका, बैरोमीटर का कंसेप्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास क्या है, एक स्विमिंग पूल है। लो भाई मैंने स्विमिंग पूल बात किया। अगर मैं स्विमिंग पूल पर बात कर रहा हूं कि सपोज यहां पर मैंने इस सरफेस पे, पहले मैं अपर सरफेस के लिए बात कर रहा हूं जो कि यहां पर कनेक्टेड है, दिख रहा है क्या। अब देखो अगर मैं यहां पर बात करूं, सपोज इसका हाइट कितना गया है यहां पे, पहले एच हाइट मैंने कितना माना है, एच, आपको क्लियर दिख रहा है हाइट क्या है, एच। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि यहां पर आपके पास जो प्रेशर आया होगा पी इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी आया हो, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको एकदम बॉटम सरफेस पे लेके गया, किसको, बैरोमीटर को, ठीक है। तो एक चीज बताइए, बैरोमीटर को बॉटम पे लेके गया तो मैंने एक काम किया, इस डायग्राम को जूम करके यहाँ कहीं बना लिया, दिख रहा है आपको। अब एक चीज बताइए, पहले जो हाइट था वो हाइट कितना था, यहाँ पे एच था, क्लियर है, ऊपर हाइट कितना था, एच। लेकिन जैसे मैं बॉटम सरफेस पे लेके गया तो मैंने जाके देखा कि मेरे पास जो हाइट है वो हाइट थोड़ा यहाँ कहीं आ गया, मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो मरकरी का हाइट है, तो क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ मरकरी, समझना, हाइट ऑफ मरकरी, वो क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब मैं कहां पे लेके जाऊंगा, इफ वी टेक कहां पर, बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर है, हाइट का वैल्यू यहां से ज्यादा भी हो जाएगा, ठीक है, और ये कंप्लीटली यहां पर क्या करेगा, कंप्लीटली यहां पे सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहां पे हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए बात करें कि मैं कहां पे लेके जा रहा हूं, मैं लेके जा रहा हूं सरफेस ऑफ मून, ठीक है। अब देखो सर, जैसे ही मैं सरफेस ऑफ मून पे लेके जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे ही मैं सरफेस ऑफ मून पर लेके आया तो मून की सरफेस पर आपके पास नो एटीएम, एटीएम का मतलब समझो एटमोस्फेरिक कोई प्रेशर नहीं होता। और जब एटमोस्फेरिक कोई प्रेशर नहीं होता तो सपोज मैंने क्या काम किया कि यहां पर एच हाइट तक भरा है आपके पास के मरकरी, दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहां पर आपके पास पीएटीएम कितना है, जीरो। तो मतलब क्या होगा, अगर मैं मून की सरफेस पे लेके जाऊंगा तो जो एच हाइट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंजेस। मतलब क्या हुआ, आपके पास जो मरकरी का लेवल है, किसका लेवल, एच जी लेवल, वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, मेंटेन रहेगा, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब सपोज यहाँ पे मैं अर्थ सरफेस पे 5 सेंटीमीटर पे लेके गया था कि सपोज मरकरी का हाइट 5 सेंटीमीटर था, तो वो मून की सरफेस पर भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, थैंक यू।